विश्व में आज भारत अपनी शक्ति स्थापित कर रहा है, मगर इस स्थापना में भारत के अपने ही कुछ राज्यों की कुछ सरकारें पथभ्रष्ट का काम कर रही हैं। वह देश नहीं, राज्य नहीं, बल्कि खुद को स्थापित करने में लगी हुई है। ऐसा ही एक राज्य त्रिपुरा है, जो दूर से देखने में बहुत ही खूबसूरत और शांति प्रिय राज्य दिखाई देता है, मगर सच्चाई ये है कि इस शांति के पीछे एक अशांत और ढोंगी सरकार सत्ता में लिप्त बैठी हुई है। यह सरकार अपनी छवि को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। कहा जाता है कि इस राज्य की साक्षरता दर लगभग 90% है, फिर लोगों का हालात ऐसा क्यों, जहां आज भी चूल्हा जलाने के लिए दूसरों के घर से भीख में आग मांगनी पड़ती है। जहां अपनी जीविका चलाने के लिए आज भी पर्याप्त साधन नहीं है। जहां पानी पीने के लिए 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ता है, इसके बावजूद भी शुद्ध पानी नहीं मिलता है। जहां स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण बहुत सी बीमारियों को मौत की तरह गले लगाना पड़ता है। त्रिपुरा की वर्तमान मणिक बाबू की सरकार कहती है कि यहाँ महिलाओं पर अत्याचार और शोषण सबसे कम है, जबकि सच्चाई कुछ और है। त्रिपुरा इन्फोवेस के अनुसार यहाँ हर दिन 1 से 2 महिलाओं का बलात्कार हो जाता है। इस तरह की हिंसात्मक घटना भारत में त्रिपुरा की वर्तमान सरकार के छत्र छाया में 4th स्थान बना लिया है, मगर इस छत्र छाया को छिपाए रखने के लिए 1500 से भी ज्यादा राजनीतिक हत्या करवा दी गई। जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई, उसे मौत के दलदल में हमेशा के लिए फंसा दिया गया। यह बेरहम सरकार उनके परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोची कि उन लोगों पर क्या गुजरेगी। आज हालात कुछ ऐसी है कि प्रत्येक दूसरा घर शमशान की तरह प्रतीत होने लगा है। जिधर भी नजर घुमाओ उधर लाल रंग की काली छाया मंडराते हुए दिखाई देती है।